वीडियो के अंदर देखेंगे जो ये आपको टच स्क्रीन डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये टच स्क्रीन है, एक टच स्क्रीन सिस्टम है, यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है। और ये जो डिवाइस है टच स्क्रीन, ये है इस कंपनी का उदयमा स्पॉस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको ये टच स्क्रीन डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये है बहुत ही आसान यूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस जस्ट क्लिक ऑन टीएम विल पॉज। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको बिलिंग करनी है फास्ट बिलिंग के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा स्मूथ है स्क्रीन का। तो हम लोग क्लिक करते हैं टेबल नंबर 5 के ऊपर, यहाँ पे आइटम ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टम का कीबोर्ड भी ओपन हो जाता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर का कीबोर्ड ऑन करना है तो उसके लिए भी सेटिंग्स है। अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आपको पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे कुछ अलग एंटर करना है आप एंटर भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है आपको तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आपने कभी केओटी की प्रिंट दे दी तो आपकी केओटी की प्रिंट भी क्या हो जाएगी, केओटी की प्रिंट भी निकल जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंटर सेटअप नहीं है तो हम लोग क्या करवाते हैं, प्रिंटर सेटअप करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सेटिंग के अंदर, ओपन सेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं इप्सन। ओके, जो भी प्रिंटर आपका रहेगा यहाँ पे सेट करवा सकते हो आप, ठीक है। केओटी के लिए करवा दिया है और यहाँ पे मैं करवाता हूँ इप्सन, ये भी अपडेट क्विक बिल के लिए करवाता हूँ। आपको जो भी जैसे भी प्रिंटर चाहिए, जिस भी ऑर्डर टाइप के लिए अलग अलग आपका प्रिंटर रहेगा तो आप वो सेट कर सकते हो। और यहाँ से हम लोग बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बिल प्रिंट करने के पहले आप देख सकते हो बिल का प्रीव्यू, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपका रेस्टोरेंट का नाम आएगा, ये सब कुछ चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे जो QR कोड दिखाई दे रहा है आपको, ये QR कोड आपके कस्टमर्स किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं। हर बिल के ऊपर ये QR कोड प्रिंट होकर आएगा और ये QR कोड स्कैन होने के बाद में अमाउंट एग्जैक्टली अमाउंट आ जाएगी 790.40 रुपीज़। और ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं पेटीएम, अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, है ना, व्हाट्सएप पे, जितने भी UPI एप्लीकेशन से उससे QR कोड स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा प्रिंटर सेटअप है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट निकल गई है, इसी तरीके से क्या होती है आपकी प्रिंट निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर दूसरे टेबल पे जाना है तो यहाँ पे आप दूसरे टेबल पे जा सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया, हम लोग आइटम ऐड कर रहे हैं, है ना। आपको ये कीबोर्ड चाहिए, सिस्टम का कीबोर्ड आप डिसेबल कर सकते हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो यहाँ आप न्यूमेरिक कीबोर्ड भी इनेबल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 1 क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको 6 करनी है तो आपने 6 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 6 क्वांटिटी होगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, इसको डिसेबल कर सकते हो, है ना, या फिर आपको ये कीबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर का कीबोर्ड है ना, और जो इनबिल्ट हो रहा है ओपन हो रहा है, ये है सिस्टम का कीबोर्ड, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के कीबोर्ड्स है, आप दोनों भी कीबोर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपको सिस्टम दिखाई दे रही है ये बहुत ही बेहतरीन चलती है। ये जो सिस्टम दिखाई दे रही है आपको, इस सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने TMBL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और ये TMBL सॉफ्टवेयर टच स्क्रीन डिवाइस के लिए बहुत बेहतरीन चलता है ना। और ये हम लोगों ने टाई अप किया है एक कंपनी के साथ जो है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का नाम उदयमा पॉज, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इस सिस्टम को आप इस कंपनी से परचेस कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों ने दिए है, जो वीडियो आपको ये देख रहे हो आप, इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर इस कंपनी का दिया गया है। अगर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो आपका सॉफ्टवेयर के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। और उसके बाद में इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है टच स्क्रीन डिवाइस की, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टच स्क्रीन डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डिवाइस का नाम है, प्रोसेसर कौन सा है, i3 प्रोसेसर है, इंस्टॉल रैम कौन सी है, डिवाइस ID जो भी है, यहाँ पे आपको ये विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 भी मिल जाएगा, है ना, ये टच स्क्रीन डिवाइस है। उसके बाद में SSD हार्ड डिस्क भी है ना। तो ये सब मोर डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, सिस्टम को यूज़ कर सकते हो बिलिंग के लिए आपके रेस्टोरेंट के अंदर। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट अस, है ना। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है या फिर हार्डवेयर के बारे में जानना है, टच स्क्रीन की डिवाइस के बारे में जानना है या फिर प्रिंटर के बारे में जानना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।